हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं ह्यूमिडिटी मेजरमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आज के मेरे जो टॉपिक्स है वो है व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर्स एंड इट्स टाइप्स, और आखिरी टॉपिक रहेगा स्लिंग साइक्रोमीटर। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमिडिटी से। देखिए ह्यूमिडिटी जो रहता है ये है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एयर की वो भी इंक्रीज होती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके बेसिस पे हम कुछ ह्यूमिडिटी को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या रहती है। तो ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ये है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी एयर का एक टेम्परेचर कुछ भी रहे, एक्चुअली अगर हमने एक 1 मीटर क्यूब एरिया में, 1 मीटर क्यूब एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट इसीलिए हमने यहाँ पर अज्यूम किया है, 1 मीटर क्यूब एरिया में अगर मैं वाटर वेपर का वेट मेजर करता हूँ उसका, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसीलिए इसका जो यूनिट रहेगा ये रहेगा ग्राम्स पर मीटर क्यूब, और ये जितना वेट ज़्यादा रहेगा यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितना रहेगा उतना ज़्यादा ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रहेगी, और ये 30 ग्राम मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है 1 मीटर क्यूब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो से अगर 10 ग्राम वाटर मिलता है 1 मीटर क्यूब एरिया में तो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगी 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमिडिटी का, जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एयर इज होल्डिंग कंपेयर टू द अमाउंट इट कैन होल्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। देखिए इसको एक्सप्लेन करना ईजी है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर से 30 डिग्री पे मैक्सिमम एयर होल्डिंग कैपेसिटी अगर 20 ग्राम्स है, और एक्चुअली इस टाइम में उसमें सिर्फ 5 ग्राम का की कैपेसिटी है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 20 ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है और 5 ग्राम ये अभी होल्ड कर रहा है, तो ये उसकी ओवरऑल कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही होल्ड कर रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस केस में रहेगी 25%। और जितना ज़्यादा वार्म एयर रहेगा, जितना ज़्यादा गर्म एयर रहेगा उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी जो है एयर होल्डिंग की वो ज़्यादा रहती है, और सैचुरेटेड एयर जो रहती है उसकी ह्यूमिडिटी रहती है 100%, और सैचुरेटेड एयर होने के बाद वहाँ पर मोस्टली रेनफॉल होता है। तो देखिए आखिरी टाइप का जो है वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये है ये इसका जो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखिए इट इज़ द वाटर वेपर कंटेंट इन अ यूनिट वेट ऑफ एयर, यानी एक पर्टिकुलर एयर का वेट भी हम कंसिडर कर रहे हैं और वाटर का भी एयर वेट कंसिडर कर रहे हैं, उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे कहते हैं हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो कि सिमिलर रहती है हमारे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से। देखिए हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर, तो ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। अब ये जो हाइग्रोमीटर्स है उसको अलग अलग तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम उसको क्लासीफाई करेंगे मैकेनिकल हाइग्रोमीटर में। तो देखिए ये जो मैकेनिकल हाइग्रोमीटर्स रहते हैं इसमें ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट और एयर एक्सपांड होगा और उसके बेसिस पे हम किसी नीडल को मूवमेंट करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द एयर इन द मैकेनिकल हाइग्रोमीटर कॉजेस अ स्प्रिंग टू मूव द नीडल ऑफ द डायल, और अगर वो नीडल मूव होता है तो वो कुछ इंडिकेट करेगा जो कि मोस्टली रहेगा ह्यूमिडिटी। तो इसके लिए ये जो मैकेनिकल हाइग्रोमीटर्स रहते हैं इसमें गोल्ड बगर्स बिटर स्किन या फिर ऑस्कट यानी बैल की चमड़ी जो रहती है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ह्यूमन एयर रहेगा ह्यूमन हेयर उसको यूज़ कर सकते हैं, जो एक्चुअली ह्यूमिडिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है, लेकिन ह्यूमन एयर में
उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहती है, इसीलिए मोस्टली जो ऑक्सगट रहता है उसको प्रीफर किया जाता है। दूसरे टाइप का जो हाइग्रोमीटर है वो है इलेक्ट्रिकल हाइग्रोमीटर, जिसमें लिथियम क्लोराइड यूज़ किया जाएगा या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे, जो ह्यूमिडिटी के साथ उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली रेजिस्टेंस वहाँ पर चेंज होता है। इलेक्ट्रिकल में और कुछ हाइग्रोमीटर्स रह सकते हैं जिसमें वेट, वॉल्यूम और ट्रांसपेरेंसी जो है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट टाइप का जो हाइग्रोमीटर है वो है ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मोस्टली फैक्ट्रीज में इसको यूज़ किया जा सकता है, और ये बहुत जो कम अमाउंट ऑफ वेरिएशन भी रहेगा तो उसको भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं यूजिंग ड्यू पॉइंट साइक्रोमीटर। इसमें अलग अलग तरह के जो मीटर्स रहेंगे उसके पॉलिश्ड मिरर यूज़ किए जाएंगे, और फिर वाट ये हम क्या करेंगे तो स्कूल्ड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वेपर कंटेंट टिल द मॉइस्चर जस्ट स्टार्ट टू कंडेंस ऑन इट। तो जिस टेम्परेचर पे ये कंडेंस होना शुरू कर देंगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है ड्यू पॉइंट। तो इस तरह से ये ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर वर्क करता है। नेक्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है असलिंग साइक्रोमीटर, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप का हाइग्रोमीटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट के लिए। अब देखिए ये जो स्लिंग टाइप का हाइग्रोमीटर साइक्रोमीटर रहता है, इसके दो इसमें दो अलग अलग थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं। ये है एक थर्मोमीटर और ये है दूसरा थर्मोमीटर। यहाँ पर ये जो थर्मोमीटर है इसको कहा जाता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, और यहाँ पर देख सकते हैं ये है वेट बल्ब थर्मोमीटर। इस केस में देखिए ये जो वेट बल्ब थर्मोमीटर रहेगा इस पर यहाँ ये जो टिप है इसकी, इस टिप पर यहाँ पर क्लॉथ विक यहाँ पर रहेगा, यानी यहाँ पर कपड़ा कुछ यहाँ पर वाउंड किया रहेगा। अब क्या करते हैं तो इसका अगर हमें ह्यूमिडिटी मेजर करना है तो इस केस में ये जो वेट बल्ब थर्मोमीटर है इसको गीला कर देते हैं, और इसको अगर हम गीला करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो ई वेपोरेशन की वजह से ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा रिलेटिव टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर जो कि एक्चुअल एयर का टेम्परेचर यहाँ पर इंडिकेट करेगा। देखिए ये एयर का टेम्परेचर इंडिकेट करता है, वेयर एज वेट बल्ब जो रहेगा इसका टेम्परेचर इवेपोरेशन की वजह से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ड्राई बल्ब थर्मोमीटर जो है ये एयर का टेम्परेचर दिखा रहा है, ये इसमें टेम्परेचर कुछ लेस रहेगा, और ये जो डिफरेंस है इसको ही हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ये दोनों टेम्परेचर इक्वल रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर कुछ वेरिएशन रहेगा, ये टेम्परेचर अगर लेस रहता है तो ऐसे केस में हम उसको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, तो सिंपली हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक चार्ट, और जो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये चार्ट कुछ इस तरह से रहता है। अब सेम एग्जांपल, एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अज्यूम करते हैं कि ये जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो वेट बल्ब थर्मोमीटर है इसका टेम्परेचर अज्यूम करते हैं लेट्स से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो रहेगा वो देखेंगे, ये है यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वेट बल्ब का जो टेम्परेचर है ये है 22, तो 25 माइनस 22 किया जाएगा, ये आएगा 3 डिग्री, तो 3 डिग्री यहाँ पर हम चार्ट में देखेंगे, ये आप देख सकते हैं 3 डिग्री का ये कॉलम। तो हमें ये 25 डिग्री की रो चूज़ करना है और इसका कॉलम चूज़ करना है, एग्जैक्टली ये यहाँ पर 77 पे आके स्टेबल हो रहा है। तो इस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है 77%। तो इस तरह से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं रहता रहेगा तो उस केस में ये 100% ह्यूमिडिटी रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है
ये कम होती जाती है। तो इस तरह से हम स्लिंग साइक्रोमीटर इस्तेमाल करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।